हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। फाइनली हम लोग जो है आज लास्ट पेपर पे पहुंच गए। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो 2019 में पूछा गया है। और आप जानते हैं कि बहुत से बच्चों ने इसका आंसर दिया है कि सर जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से वो सारा क्वेश्चन उसी सेम टू सेम आ रहा है। यही वजह है कि मैं आज भी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी को बहुत डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ और हर क्वेश्चन को एक सटीक तरीके से मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। इसके साथ मैं जब ये लास्ट पेपर है, लास्ट पेपर के साथ में आपका जो एक जनरल पेपर होते हैं 6 पेपर कंप्लीट हो जाएगा। मैं लास्ट में आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ है, वैसे तो आप बताते नहीं है कि किस तरीके से पेपर हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि मेरे वीडियो से कहीं भी थोड़ा सा भी आपको फायदा हुआ है कि नहीं। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में अगर आपको फायदा हुआ है तो बोल सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट ये है कि आप को अगर थोड़ा सा भी मेरे वीडियोस से फ़ायदा हुआ है तो इन वीडियोस को उन पीढ़ियों तक, उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जिन बच्चों तक ये वीडियोस नहीं पहुँची हुई है, जो बच्चे और भी ज़्यादा परेशान रहते हैं, ताकि उन तक पहुँच सके और वो बच्चे भी आप ही की तरीके से और आपके माध्यम से उन बच्चों का भी भला हो सके। तो ये रिक्वेस्ट है, आई होप कि आप ज़रूर इसको समझेंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और लास्ट में जो है पूछा जा रहा है। और आज हम लोग जो है ना सारी चीज़ों को बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि आपका लास्ट वाला जो पेपर है वो भी बहुत अच्छे तरीके से जाए, ठीक है ना। हम देखेंगे अब यहाँ पर ये जो पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आंसर फ्रॉम ऑल द सेक्शन एज डायरेक्टेड, ए सेक्शन में बांट देते हैं, ए बी सी डी करके ये बांटते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये यहाँ पर जो पैटर्न है आपका, यहाँ पर कितने क्वेश्चंस करने हैं, 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं, तो ऑब्वियसली आपको शॉर्ट में ही लिखना होगा। एक पैराग्राफ में आप लिख देंगे तो वो भी बहुत इनफ रहेगा, ठीक है ना। हम लोग बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ये देखिए, ये कह रहा है कि डिफाइन कल्चर, ठीक है ना, कल्चर को आपको बताना है कि कल्चर क्या होता है। सिंपली कल्चर क्या होता है, यानी कि संस्कृति को परिभाषित कीजिए, संस्कृति क्या होती है उसको बताना है। देखिए संस्कृति क्या होती है, सिंपल है, किसी समाज की जो प्रथाएं होती है, किसी समाज की जो विचारधारा होता है, किसी समाज का जो विश्वास होता है, जैसे हम क्या बोलेंगे, कस्टम होता है, आइडियाज़ होता है, बिलीफ होता है। आप जानते हैं ना कि सभी समाज के अपने अपने आइडियाज़ होते हैं, प्रथाएँ होती है, विचारधारा होता है, विश्वास होता है, अपने अपने कस्टम्स को फॉलो करते हैं, अपने अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, चाहे वो रिलीजियस कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, उसके अपने कस्टम्स होते हैं, विचारधाराएं होती है, प्रथाएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्या कहते हैं कि इसको बताना है कि कल्चर क्या होता है, किसी समाज की प्रथाएं, विचारधारा, विश्वास को कल्चर कहते हैं। ये सिंपली आपको ये जो अगर आप ब्रीफली तरीके से सीखना चाहेंगे तो आप जाके क्रैश कोर्स में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी को जरूर देखेंगे, वहां पर बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या लिखना है। उसके बाद ये कहते हैं कि राइट वन जेंडर लॉ। देखिए जेंडर लॉ तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। देखिए लिंग का एक नियम लिखिए आप, लिंग का बहुत सारा नियम है, ठीक है ना। लिंग के आधार को बहुत सारे तरीके पर बांटा गया है कि देखिए सेक्शन भी तो है ना, जेंडर के आधार को अगर बात करेंगे तो क्या है कि सोसाइटी के आधार पर भी उसका सेक्शन बटा हुआ है ना। उसके अलावा काम के आधार पर भी, कोई डोमेस्टिक वर्क कर रहा है, कोई बाहर का वर्क कर रहा है, ड्यूटी फैक्ट्री वर्क कर रहा है, तो इसके आधार पर भी बटा हुआ है। लेकिन आपको जो है यहां पर एक आर्टिकल के थ्रू से लिखना है, जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 16, 39, 42, ये सब क्या करता है, ये सारा का सारा क्या है, लॉ ऑफ जेंडर है, ठीक है ना। अगर मैं आर्टिकल 60 की बात, 6 की बात करूं, आर्टिकल 6 की बात करूं, तो ये क्या कहता है, ये कहता है, आर्टिकल 6 कहता है कि मेन एंड वोमेन आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड इन टर्म ऑफ जेंडर, यानी कि जेंडर के बिहाव पर वोमेन और मैन को नहीं बांटा जाएगा, ये एक लॉ है। उसी के अलावा और 14 की बात करें तो वो भी यही कहता है कि सारी चीज़ों में बराबरी का हक दिया जाएगा। 15 भी यही कहता है कि एजुकेशन के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनको बराबरी का हक। तो ये जो है आपका जेंडर का लॉ है, आपको भी बहुत सारे लॉज याद होंगे और आप बहुत आसानी इसको लिख भी पाएंगे। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं व्हाट इज सोशलाइजेशन। देखिए सोशलाइजेशन को ज़रूर पूछता है, इसमें आपको देख करके जाना है, सोशलाइजेशन को अच्छे से पढ़ करके जाना है। सोशलाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से हर बार पूछते हैं कि सोशलाइजेशन क्या होता है, उसी को आपको बताना है कि सोशलाइजेशन क्या होता है। तो इसका मैं एक तरीके से बताऊं तो आपको क्रैश कोर्स में बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, डिटेल्स में मिल जाएंगे, लेकिन आपको मैं एक गाइडलाइन कर देता हूं कि सोशलाइजेशन क्या होता है। देखिए सोशलाइजेशन होता है द एक्टिविटी ऑफ मिक्सिंग सोशली विथ अदर, मिक्सिंग सोशली विथ अदर, यानी कि हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो जो जब हम जो है एक दूसरे से, तीसरे से, चौथे से काम लेते हैं, अपनी चीज़ों को बांटते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, वो हमें कुछ सिखाता है, हम उससे कुछ लेते हैं, हम उसको कुछ देते हैं,
हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सोशलाइजेशन बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बिहेव इन अ वे दैट इज एक्सेप्टेड टू सोसाइटी। उस प्रोसेस से, उन तरीकों से, उस नॉर्म से, उस रेगुलेशन से हम जब कोई चीज़ें सीखते हैं, करते हैं, बांटते हैं, देखते हैं, तो वो सोशलाइजेशन कहलाता है, जिन तरीकों से कोई भी सोसाइटी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल दूं तो हमारा सोसाइटी जो है, कल की डेट में देखा जाए तो हमारा सोसाइटी फॉरेन के कपड़े जो होते हैं वो पहनावे को बहुत बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसी तरीके से अगर मुस्लिम समाज की बात करूं तो जब मुस्लिम समाज की महिलाएं होती है वो बुर्का पहनाने को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो कौन से सोसाइटी किन चीजों को फॉलो करता है, वही चीज आपको बताना है। तो सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन इज द एक्टिविटी ऑफ मिक्सिंग सोशली विद अदर। सोशली जो एक्टिविटीज होता है, जो एक दूसरे के साथ में हम मिलकर के करते हैं, उसी को हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। इसका जो है पूरी तरीके से अगर आप सीखना चाहेंगे तो आप क्रैश कोर्स को एक बार जरूर पढ़ेंगे जाके, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के नाम से है, वहां पर आप देखेंगे तो सारे पॉइंट को खाली आपको उतार लेना है, वो सारे पॉइंट आपके आंसर को टॉप कराएगा आपको, ये आप याद रखिए। उसके बाद हम देखेंगे यहां पर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राइट वन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर जेंडर इक्वालिटी। ठीक है ना, जेंडर इक्वालिटी यानी कि कहने का क्या मतलब है, इनके कहने का मतलब है कि लिंगी समानता है तो एक संवैधानिक प्रावधान लिखिए। एक संवैधानिक क्या, आपको तो बहुत सारे प्रोविजनल याद होंगे लिंगिक के आधार पर, जिस तरीके से मैंने बताया कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी है ये सारे किस पे बात करता है, लिंगिक समानता पे बात करता है। जैसे मैंने बताया ना कि आर्टिकल 6 क्या कहता है, men and women are not discriminated in terms of gender। Article 6 ये कहता है कि जेंडर के आधार पर मैन और वुमेन को नहीं बांटा जाएगा। उसी के अलावा अगर Article 14 की बात करूं तो 14 आपका आर्टिकल क्या कहता है, आपका आर्टिकल ये कहता है कि सबको बराबरी का हक दिया जाएगा, चाहे वो एजुकेशन को हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। आर्टिकल 15 भी यही कहता है, आर्टिकल 16 भी आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर बात करता है, आर्टिकल 39 भी, आर्टिकल 42 भी, ये सारे क्या है, क्या कहते हैं, जेंडर के आधार पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजर है जो जेंडर इक्वालिटी पर बात करता है। 15 जो है आप क्या कहता है कि समानता का अधिकार दिया जाएगा। और जितने भी है ये क्या कहते हैं कि क्वेश्चंस है, इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर मैंने आपको क्रैश कोर्स में अच्छे से समझाया हुआ है बच्चे, अगर आप वहाँ एक बार देख लेंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए सारा जो है सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं, हिंदी में भी देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में देखेंगे हम लोग, ये कह रहे हैं कि विच कमिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैज़ रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ डिफ्रेंशिएटेड करिकुलम फॉर गर्ल्स, यानी कि सर्वप्रथम किस समिति ने लड़कियों हेतु अलग पाठ्यक्रम के विचार को अस्वीकार किया था, यानी कि स्वीकार नहीं किया था। यानी कहने का मतलब है बहुत सारी कमेटी आई थी, है ना, कोठारी कमीशन है, वर्धा कमीशन, ये जितने भी कमेटियां आई थी ना सेकेंडरी स्कूल के, ये लोग क्या कहे, इन्होंने जब इन किसी एक कमेटी ने जब ये कहा कि क्या कहते, ये कहा कि जो गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं इनके जो डिफ्रेंशिएटेड करिकुलम बनाया जाए, यानी कि अलग करिकुलम बनाया जाए, तो एक कमेटी ने इसको अस्वीकार किया, यानी कि उसको क्या किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि रिजेक्ट कर दिया। तो इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में खुद देना है, ताकि मैं भी देखूं कि आपको कितनी पढ़ाई से दिलचस्पी है, इंटरेस्टेड है, आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपको खुद कमेंट सेक्शन में देना है, नहीं दे पाओगे तो लास्ट में मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, खंड देखते हैं हम, सेक्शन बी है, यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर ये कह रहे हैं कि आंसर एनी टू क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दो क्वेश्चन करना है, जो एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है और टोटल हो जाते हैं आपके 10 नंबर। तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आता है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ समझ में आता है कि आपको कम से कम 2 पेजेस के लिखने ही लिखने हैं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वट डज पेट्रियार्की मीन, यानी कि पितृसत्ता, पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। और इस सब्जेक्ट पे मैंने देखो आपको 2 से 3 पेजेस तो लिखना है, यही वजह है कि मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन कर देता हूँ कि क्या लिखना है, आपको पूरा डिटेल्स जो है पूरे कमांड के साथ में, पूरे पॉइंट के साथ में, एलिमेंट के साथ में बोर्ड पर मैंने समझाया है। जाकर के सिर्फ बोर्ड का अगर नहीं पढ़ाई करते हो ना, बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना और सारे का जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे जो चीजें मैंने आपको समझाया है, उसको आप एक बार अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना। मैं आपको 110% गारंटी देता हूं कि आपका जितना बेस्ट जो है परसेंटेज रहेगा ना, वो किसी कॉलेज का नहीं रहेगा, किसी बच्चे का नहीं रहेगा, अगर आप इस तरह से करेंगे, क्योंकि मैंने आप ही के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा क्रैश कोर्स को क्या कर दिया है, फाइन कर दिया है।
तो यहाँ पर क्या पूछा इन्होंने, व्हाट डज पेट्रियार्की मीन। पेट्रियार्की मीन यानी कि पितृसत्ता जो होती है, आपको पता है ना कि हमारा सोसाइटी आज भी, इवन के आज भी हमारा सोसाइटी पितृसत्ता को एक्सेप्ट करता है। पितृसत्ता का मतलब ये होता है जहाँ पर पुरुष प्रधानता होती है। पुरुष प्रधानता का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आदमी के कहने पर ही सारा रूल्स रेगुलेशन चलेगा, यानी कि आदमी कहेगा कि भाई ये खाना पकना है, आदमी ये कहेगा कि क्या कहते हैं कि वुमेन को ये पहनना है, आदमी ये कहेगा कि आज जो है ये काम होना है, वो करना है, सोसाइटी ऐसे चलना है। तो यानी कि पितृसत्ता यानी कि आदमी के कहने पर ही घर समाज सोसाइटी हर कुछ चलेगा। बच्चा का पढ़ाई आदमी डिसाइड करेगा, औरत क्या पहनेगी आदमी डिसाइड करेगा, औरत क्या खाएगी, किससे बात करेगी, कहाँ जाएगी, सारा चीज जो है आदमी डिसाइड करेगा। इसे कहते हैं पितृसत्ता। तो इसको आई होप कि आप लिख लेंगे, और पितृसत्ता को यानी कि पुरुष प्रधानता को, पेट्रियार्की को मैंने बोर्ड पर बहुत अच्छे से समझाया है, एक बार आप जरूर देखिएगा वहां जाकर के, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप जो है एक इंटेलेक्चुअल टीचर बन पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने सारे पॉइंट को ध्यान में रख करके आपको समझाया है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या कहता है यहाँ पे। ये कह रहा है कि कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लिंगी भेदभाव के कारण क्या होते हैं वो बताना है आपको। लिंगी भेदभाव के कारण क्या होते हैं, लिंगी भेदभाव के कारण आपको पता है एक तो जेंडर भी होता है। सपोज दैट कि अगर जेंडर वुमेन है या मैन है तो ऑब्वियसली वुमेन को बहुत नीचे रखा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या होता होगा इसमें लिखिए आप, पॉवर्टी। बच्चे कहते हैं सर आप लिखवाते चलिए, बच्चे अगर मैं लिखवाता चलूं तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। यही वजह है कि मैंने आपको पहले से ही क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा दिया है बोर्ड पर, ताकि आप पहले से ही रेडी रहें। यहां पर मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लिंगी भेदभाव के जो कारण है वो कारण क्या क्या है। देखिए एक तो पॉवर्टी होता ही होता है। सपोज दैट अगर बच्चे के पास में पैसा नहीं है, लड़के के पास में पैसा नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको नीचे का काम दिया जाता है, गलत काम करवाया जाता है, ड्रग्स सप्लाई करवाया जाता है, और बेचारा पॉवर्टी के बिहाव पर करता भी है। पॉवर्टी के बिहाव पर जैसे कि आप क्या कहते हैं कि देख सकते हो जो जात पात जो बटे हुए थे, आपको पता है ना ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेगा, शूद्र क्षत्रिय नीचे रहेगा। तो ये इस तरीके से जो बटा हुआ है ये भी एक रीज़न था किसका, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। उसके अलावा दूसरा पॉइंट लिखिए आप, इलिटरेसी यानी कि जो जाहिल होते हैं ना, जहालत जो होते हैं, इसको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है ना वुमेन को पढ़ने नहीं देते थे, वुमेन को पॉवर्टी में रखते थे। जैसे कि पॉवर्टी वुमेन कैसे रहती थी, जैसे कि आदमी जितने काम कर रहा है ना वो कौन सा काम कर रहा है, पेड वर्क यानी कि जिस काम के आदमी को पैसे मिल रहे हैं, लेकिन बेचारी वुमेन जो काम कर रही है उसको पैसे नहीं मिल रहा है। कौन सा काम कर रही है, वो होमेस्टिक वर्क, क्या डोमेस्टिक वर्क क्या कर रहे हैं, काम कर रही है। तो घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को पालना, खुद आदमी का देखभाल करना, उसके टिफिन पैक करना, और उसके अलावा खुद को भी संभालना, ये सारी चीज़ें करती हैं औरतें, लेकिन उनको किसी तरह का पैड नहीं किया जाता है। ये भी रीज़न होता है पॉवर्टी नहीं, वहाँ पर उसके हाथ में, लड़के के हाथ में, औरत के हाथ में पैसा नहीं है, क्या कहते हैं पॉवर्टी है, गरीब है, जिसके भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है। इलिटरेसी, ऑब्वियसली वुमेन को पढ़ाने की इजाज़त परमिशन नहीं थी एक टाइम में, तो इलिटरेसी होती थी वो, इसके भी हाँ पर उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था। रिलीजियस भी बहुत बड़ा पावर है इसका, डिस्क्रिमिनेशन का, यानी कि कल्चर, जात पात, ये सारी चीज़ें क्या होता है, कॉज बनते हैं किस चीज़ के, लिंगी भेदभाव के। ये सारी चीज़ें क्या बनते हैं, कॉज बनते हैं। सिंपल है, आप बोर्ड पर जाकर के एक बार ज़रूर देखिएगा, सारे पॉइंट आपको मैंने वहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन है ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन। देखिए ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है ना, लड़कियों की शिक्षा के प्रोत्साहन है तो राज्य सरकार के प्रयास को बताइए, ठीक है ना। अब ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए, मैंने आपको बोर्ड पर भी आपको समझाया हुआ है अच्छे तरीके से, और वहाँ मैंने परसेंटेज के साथ में समझाया है, वहाँ आप देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर भी रहेगा। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, एक गाइडलाइन कर देता हूँ कि इसमें क्या लिखना है। देखिए स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एजुकेशन पर दोनों पैसा देते हैं, चाहे वो गर्ल्स के एजुकेशन हो चाहे बॉयज़ के हो, एजुकेशन पर दोनों पैसे देते हैं, है ना। जैसे कि अगर 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे तो सिर्फ 40% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है एजुकेशन के लिए। अब ये कह रहा है कि प्रमोट यानी कि गर्ल्स के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या कहते हैं कि सेंटर कितना काम कर रहा है, कितनी चीज़ें कर रहा है, ठीक है ना, कितना एफोर्ट लगा रहा है, ठीक है, ये इन्होंने पूछा हुआ है। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा अगर मैं कुछ नाम गिनाऊँ, आपको याद होगा ये सारे नाम जो मैंने बोर्ड पर भी आपको बताया हुआ है। जैसे कि बालिका समृद्धि योजना जो बनाया गया था, ये किसके लिए बनाया गया था, ये बनाया गया था आपको लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है, आपको पता है ये। उसके बाद आप देख सकते हो साक्षर भारत मिशन, साक्षर भारत मिशन भी बनाया गया था, आपको याद होगा ये भी लड़कियों के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी लड़कियों के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद है आपका सुकन्या
समृद्धि योजना, ये भी लड़कियों के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये भी आपकी लड़कियों को एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। हालांकि ये सेंटर बनाता है लेकिन स्टेट भी इन सारी चीज़ों को बना करके डेवलप करता है, तो यही आपको आंसर देना है। और ये सारी चीज़ें जितने नाम मैंने बताया बोर्ड पर आपको आसानी से मिल जाएंगे, और बहुत अगर ये सारे पॉइंट को आप लिखेंगे ना तो सही कह रहा हूँ मैं, आपका आंसर जो है सब बच्चों से इफेक्टिव रहेगा, आपका आंसर बहुत बेस्ट रहेगा। ये भी आपको समझ में आ गया। अब जो है पाँचवा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। पाँचवा क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डिस्कस द रोल ऑफ द टेक्स्ट बुक इन प्रमोटिंग जेंडर एम्पावरमेंट। अब इसको अच्छे से समझो, जेंडर एम्पावरमेंट यानी कि इसको हिंदी में भी देख लो। देखिए ये कह रहे हैं कि लिंग सशक्तिकरण परिवर्तन में पाठ्यक्रम पुस्तक की भूमिका की विवेचना कीजिए। सिंपल है यहाँ पर, यानी कि जेंडर एम्पावरमेंट में, जेंडर एम्पावरमेंट में जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक क्या सबसे बड़ा रोल अदा करता है, क्या रोल अदा करता भी है कि नहीं, है ना, क्या सशक्तिकरण को करने में पाठ्यक्रम का कोई रोल है भी कि नहीं, टेक्स्ट बुक का रोल भी है कि नहीं, आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि जेंडर एम्पावरमेंट की जब बात आई थी तो सबसे पहले कहाँ से बात उठी थी, सबसे पहले न्यूज़पेपर से आर्टिकल से ही बात उठी थी, और वही आर्टिकल से उठते उठते लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी, और ऐसी ऐसी किताबें लिखी कि उन किताबों के बिहाब पर पूरी दुनिया में एक रिवॉल्यूशन फैल गया। तो स्टार्टिंग जो जेंडर एम्पावरमेंट की जो होती है स्टार्टिंग, वो तो किताबों से ही होती है। तो आप कैसे कह सकते हो भाई कि किताबों का रोल नहीं है? ऑब्वियसली सबसे पहला और सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट काम जो था वो किताबों का ही था। किताबों के बिहाब पर, टेक्स्ट बुक के बिहाब पर जेंडर एम्पावरमेंट की यानी कि वुमेन्स महिला सशक्तिकरण की जो बात शुरू होती है वो किताबों से ही होती है। और आपको मैंने अपने बोर्ड पर बहुत बड़ी बड़ी किताबों को और बहुत बड़े बड़े किताबों के राइटर्स के नेम के साथ में, उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ में पूरी तरीके से आपको बोर्ड पर समझा दिया है। आप वहां से अगर देख करके वो सारे पॉइंट लिख देंगे तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर एक बार आप जाकर के जरूर देखिएगा। यहां पर मैं कुछ नेम्स बता देता हूं, कुछ किताबों के नेम बता देता हूं जो जिन किताबों ने क्या किया, ये पूछा है ना कि टेक्स्ट बुक कौन कौन से और कैसे हैं कि जेंडर एम्पावरमेंट के को डेवलप कर रहे हैं। तो एक किताब है आपका द थाउजेंड सिस्टर, है ना, लीजा जे शानन ने लिखा है। लीजा जे शानन ने कौन सी किताब लिखा है? द थाउजेंड सिस्टर, ठीक है ना। ये किताब जब लिखा था वोमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन मिला था, ठीक है। उसके बाद दूसरी किताब है आपका आइडेंटिटी एंड वॉयलेंस, ठीक है ना, अमर्त्या सेन ने लिखा था आइडेंटिटी एंड वायलेंस। ये नाम तो आपको पता होगा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही थी, जेंडर एम्पावरमेंट का जो बहुत बड़ा रोल था, इसको इस किताब ने भी पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया था, क्या कहते हैं एम्पावरमेंट को, यानी कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के। उसके बाद में आपको आपका जो किताब है वो एक किताब होता है कि हाफ द स्काई, निकोलस क्रिस्टफ ने लिखा था, निकोलस क्रिस्टफ ने। तो ये सारी जो किताबें हैं ना, ये सारी किताबों के नेम आपको मैंने बोर्ड पर अच्छे तरीके से समझा दिया है। इससे भी बेस्ट बेस्ट किताबें मैंने आपको वहाँ भी लिखवा दिया है। तो बार बार आपका टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप ज़रूर जाएँ कि वहाँ पर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का जो क्रैश कोर्स का जो मैंने आपको डिफाइन कराया हुआ है, वहाँ पर बोर्ड पर आप देखें, मैंने हर चीज़ों को अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। वहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लें तो आपका बेस्ट नंबर मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपका एग्ज़ाम जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन सी जो है, यहां पर आपको दो क्वेश्चन करना है। अब जो है आपका लॉन्ग आंसर है, देखो लॉन्ग आंसर है, यानी कि एक क्वेश्चन का आपको कितना मिलता है, यहां पर मिलता है आपको 10 नंबर मिलता है, टोटल आपको 20 नंबर। तो यहां पर आपको बड़ा आंसर लिखना है, अच्छे से लिखना है, पूरी तरीके से डिफाइन करके लिखना है, ठीक है ना। तो यहां पर पहला जो है क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग आंसर का पहला होगा, वैसे छठा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि डिफाइन जेंडर, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। देखो बच्चे, इसी नाम से आपका पेपर शुरू होता है, और यही वजह है कि मैंने जेंडर को, सेक्स को, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन जेंडर एंड सेक्स को बहुत अच्छे तरीके से अपने वीडियोस में समझाया हुआ है। वहां से सारे पॉइंट आपको जाकर के खाली उतार लेना है, बाकी मैं आपको बताता हूँ कि ये होते क्या है, ठीक है ना। सेक्स क्या होता है, देखिए सेक्स रेफर्स टू द डिफरेंट बायोलॉजिकल एंड फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन एंड वुमेन। जैसे आप इसका एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं, है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं, क्रोमोजोम ऑर्गेन्स, क्रोमोजेन जोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, है ना। इस तरीके से चीज़ें जो है लोगों में क्या कहते हैं कि जेंडर में पाए जाते हैं, सेक्स में पाए जाते हैं। और जो सेक्स होता है ना, ये बाय बर्थ होता है, यानी कि बर्थ के साथ में ही उसका सेक्स डिफाइन हो जाता है। आपको पता होगा ना कि वुमेन में क्या कहते हैं कि जैसे मैन की बात करें तो एक्स वाई दोनों हॉर्मोन होते हैं, उसमें सिर्फ एक्स होता है, वाई नहीं होता वुमेन में। तो ये इसके बिहाव पर जो है सेक्स को डिफाइन किया जाता है। अब हम बात करते हैं जेंडर क्या होता है भाई। जेंडर रेफर टू द सोशली कंस्ट्रक्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन एंड वुमेन
जैसे कि नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, और जो जेंडर होता है वो जेंडर किससे डिफाइन होता है, वो सोशली करेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे कि मैंने क्या बताया कि सेक्स क्या होता है, वो बाय बर्थ होता है, और जो जेंडर होता है बाय सोशल होता है, यानी कि सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन आपको डिफाइन कराएगा कि ये जेंडर है। जैसे कि एक बच्ची है, एक लड़की है, एक लड़की है जो क्या करती है, उसके खिलौने, जब एक बच्ची हमारे घर में पैदा होगी तो उसको खिलौना कौन सा ला करके दिया जाएगा, उसको जो है गुड्डे गुड़िया ला करके देंगे, लड़का होगा तो उसको बंदूक, ट्रक, गाड़ी, हवाई जहाज, ये सारी चीज़ें। तो यहीं से डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिल रहा है। और ये भी कहा जाता है कि बच्ची तुम जो लड़की हो तुम गुड्डे गुड़िया से खेलो, तुम बंदूक बंदूक ना उठाओ, तुम मुन्ना का खिलौना ना लो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये डिफरेंशिएट है दोनों में, आप किस कैसे कैसे हैं, जो हमारा सेक्स होता है वो किस किस बिहाव पर होता है, वो बायोलॉजिकल होता है, फिजिकल होता है, और उसके बाद कौन कौन से होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये इनके बिहाव पर सेक्स को डिफाइन किया जाता है। और जो नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन हमारे सोसाइटी में होते हैं करेक्टरिस्टिक्स के बिहाव पर, उसके बिहाव पर हमारा जो जेंडर डिफाइन होता है, इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन भी इसको लिख देंगे। और ये चीज़ बहुत अच्छे से मैंने आपको वीडियो में समझाया भी हुआ है बोर्ड पर। उसके बाद जो है हम लोग सातवां क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पे सातवां क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जेंडर इन इक्वालिटी स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली इन प्रिपोर्टिंग जेंडर बायस, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इसको हिंदी में भी देख लीजिए। जेंडर असमानता की शुरुआत परिवार से होती है, ये जानते हैं। जेंडर पूर्वाग्रहों को आगे बढ़ाने में परिवार की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो सिंपल है ये, सपोज दैट के आपका जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से शुरू होता है? ऑब्वियसली जब बच्चा जो है सबसे पहला, बच्चे का जो सबसे पहला जो क्या कहते हैं सोशलाइजेशन होता है, वो तो सोसाइटी कहाँ होता है, आपका फैमिली में होता है, बाद में जाके सोसाइटी में होता है। तो सबसे पहले जो ये आपका जेंडर इनइक्वालिटी जो शुरू होती है, जेंडर इनइक्वालिटी वो आपकी फैमिली से ही शुरू होती है। जैसे मैंने बताया ना कि आप जब एक बच्ची पैदा होती है तो उसके जो पूरे रूम को क्या पिंक कलर दिया जाता है, पिंक कलर के कपड़े लाए जाते हैं, पिंक चीजें दी जाती है, ठीक है। लड़का पैदा होता है दूसरे कलर का। तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना आपको फैमिली में, खिलौने की बात करें तो खिलौने दिए जाते हैं, अगर पढ़ाई की बात करें तो लड़की की जो पढ़ाई है वो रोक दिया जाता है, लड़के की पढ़ाई को कंटिन्यू रखा जाता है। शादी की बात करें तो लड़कियों को जल्दी से, क्योंकि उसको पराया धन समझा, लड़के को जल्दी से शादी करके भगाया, कहते हैं कि आप दूसरे घर की चीज़ हो तो आप चले जाओ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से, फैमिली से ही देखने के लिए मिलता है। और ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि परिवार की भूमिका किस तरीके से होती है, विवेचना कीजिए। ऑब्वियसली परिवार की ही पूरी भूमिका होती है, पूरी परिवार ही वहाँ सिखाता है कि बच्चे तुम जो है लड़की हो बाहर ना टहलो, तुम जो लड़की हो साइकिल नहीं चलाओ, तुम जो ये हो तुम वो हो, तुम तुम्हारा किचन का काम है, तुम बर्तन मांझना है, तुम्हें झाड़ू लगाना है। तो ये कौन सबसे पहले शुरू करता है, सबसे पहले आपकी फैमिली करता है आपके साथ में। तो ये आपका आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से आपको बोर्ड पर समझाया है, वहां ज्यादा क्लियरली आपको समझ में भी आएगा। उसके बाद में आप देखेंगे यहां पर आठवां क्वेश्चन क्या कहता है। आठवें क्वेश्चन में लिखा है थ्रू लाइट द नीड एंड रेलिवेंस ऑफ गर्ल एजुकेशन, ठीक है ना, बालिका शिक्षा की है ना आवश्यकता एवं प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। यानी कि बालिका की जो शिक्षा है, गर्ल्स जो एजुकेशन है, उसकी क्या आवश्यकता है, क्या गर्ल्स एजुकेशन की आवश्यकता है कि नहीं। तो बच्चे ये चीज़ भी मैंने आपको समझाया है, लेकिन मैं आपको एक डायरेक्शन देता हूँ कि इसमें क्या पढ़ना है और कौन कौन से पॉइंट को लिखना है। देखिए गर्ल एजुकेशन को कौन नहीं जानता है, गर्ल्स एजुकेशन को रिक्वायरमेंट को कौन नहीं जानता है। देखो बच्चे, हम और आप या जितने भी लोग हैं, सबसे पहला जो हमारा स्कूल होता है, सबसे पहला स्कूल कौन होता है, हमारी माँ होती है ना, हमारे मॉम यानी पेरेंट्स होते हैं। तो वहीं से तो हम लोग सीखते हैं ना। पापा जो होते हैं वो पूरा का पूरा टाइम कहाँ, अपने ड्यूटी में घर से बाहर लगाते हैं। बच्चा जो है पूरा टाइम किसके साथ में रहता है, स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा टाइम अपने मॉम के साथ रहता है। अगर आप मॉम को नहीं पढ़ाते हो, गर्ल्स को नहीं पढ़ाते हो, तो क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा कभी, है ना। उसके अलावा भी आप अगर बात तक देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा रोल जो होता है वुमेन का ही होता है एक बच्चे की जिंदगी में। तो अगर आप एक वुमेन को पढ़ाओगे नहीं, तो उसका क्या कहते हैं कि एजुकेशन नहीं दिलाओगे, तो आपका जो क्या कहते हैं कि एजुकेशन है वो डेवलप नहीं करेगा। यही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, थ्रू लाइट द नीड ऑफ रिलेवेंस ऑफ गर्ल्स ऑफ एजुकेशन, कि गर्ल्स के ऑफ एजुकेशन की आवश्यकता है भी कि नहीं। तो आप ही बताओ कि इसकी आवश्यकता है कि नहीं, गर्ल्स एजुकेशन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बोर्ड पर भी मिलेगा, और अभी भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें से जितने भी पॉइंट है आप बोर्ड पर से उतार करके अपनी कॉपी में लिखें, और लिख करके आप उसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, हाउ डू जेंडर बेस्ड इशू
गेट रिफ्लेक्टेड इन द हिडन करिकुलम एक्सप्लेन विथ सूटेबल एग्जाम्पल। देखिए हिडन करिकुलम जो होता है आपको अच्छे तरीके से पता है, हिडन करिकुलम पे मैंने एक वीडियो बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था तो वहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से उसको समझाया है। हिडन करिकुलम जो होता है, हिडन इसको हिंदी में देखिए, जेंडर आधारित विचार विषय किस प्रकार से छुपा पाठ्यक्रम में प्रतिबिंबित होता है ना, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा व्याख्या कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, यहाँ पर कहने का मतलब है आपको वहाँ पर क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि हिडन करिकुलम क्या होता है। अब हिडन करिकुलम में जेंडर के बेस पर कैसी कैसी चीज़ें देखने के लिए मिलता है। हिडन करिकुलम वो होता है जो कि किसी टाइम लिमिटेशन के अकॉर्डिंग, किसी बुक के अकॉर्डिंग, किसी चीज़ों के अकॉर्डिंग, किसी स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं सिखाया जाता है, बल्कि इंसान के अंदर में एक हिडन करिकुलम या हिडन पावर खुद ही होता है जिसके पर, जैसे सपोज दैट कि अगर एक बच्चे से जो है टीचर क्या करते हैं, एक बच्चे से ये कहता है कि बच्चे अपनी किताब लाओ आप, तो किताब बच्चे के लाते हैं और वो बहुत रिस्पेक्ट के साथ में देते हैं टीचर को, तो ये तो रिस्पेक्ट तो टीचर ने नहीं सिखाया था उस बच्चे को कि आप बच्चे आप रिस्पेक्ट के साथ में मेरे को किताब ला करके दो। तो ये क्या है, ये एक हिडन करिकुलम है जो इंसान खुद ही सीखता जाता है। उसके अलावा अगर टीचर गए आपके क्लास में तो आपने क्या किया कि टीचर के लिए एक कुर्सी ला करके दे दी, एक चेयर ला करके दे दिया, तो ये क्या है, ये जो एक क्या कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ है ना, यानी कि मानवतावादी है, ये इंसान के अंदर में खुद हिडन होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि हिडन करिकुलम, जहाँ पर बच्चा खुद ही अपने इंटरनली चीज़ों को सीख रहा होता है, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग देखेंगे आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशन डज अ टीचर रिक्वायर टू प्रिवेंट एंड एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट टू स्कूल। देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर देखिए ये चीज़ें आपको समझना है। ये कह रहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट जो होती है स्कूल में, सेक्सुअल जो हरासमेंट होती है स्कूल में, उस हरासमेंट को ख़त्म करने के लिए किस तरीके का, है ना, किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम अपनाना चाहिए, किस तरीके से आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, यही पूछा हुआ है। इसको हिंदी में अगर देखेंगे, विद्यालय में यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने एवं इस समस्या का समाधान करने के लिए एक शिक्षिका या शिक्षक को किस प्रकार के शिक्षण या प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। देखिए जितनी भी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें, तो इसमें इसको ख़त्म करने के लिए टीचर किस तरीके से पढ़ाएगा, किस विधि से पढ़ाएगा कि जो है सेक्सुअल हरासमेंट ख़त्म हो सके, ठीक है ना। देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में सेक्सुअल एजुकेशन नहीं दी जाती है, दी जानी चाहिए क्योंकि बच्चे जो है बहुत बिगड़ रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में पढ़ रहे हैं, तो दी जानी चाहिए। तो सबसे पहले एक टीचर किस विधि से पढ़ाएगा, सबसे पहले ये सिखाएगा कि बच्चे आपस में आप लोग सभी एक दूसरे के भाई बहन की तरह से हो, आप दूसरे का नुकसान नहीं सोच सकते हो, आप क्या करोगे, आप इस विधि से पढ़ाओगे कि आप जो है एक इंसानियत को, एक मानवतावादी को जो है आगे रखोगे, है ना। ऐसे ऐसे चीज़ों को जब आप पढ़ाओगे, ऐसे ऐसे चीज़ों को, आदर्शवादी को आगे रखोगे, ऐसे ऐसे चीज़ें ऐसे ऐसे विधि से जब पढ़ाया जाएगा तो सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है हमारे स्कूल में, बच्चों का माइंड जो है उधर से डाइवर्ट करना है, वहाँ से हटाना है ताकि बच्चों के साथ में कुछ गलत नहीं हो सके, ये चीज़ सिखाना है कि हमेशा जीत की, क्या कहते हैं कि सच्चाई की जीत होती है ना, गलत करने वालों को सज़ा होती है, तो ये सारी चीज़ें मानवतावादी यानी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को जब अप्लाई करके पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट भी कम होगा। तो इस तरह की ट्रेनिंग एक टीचर को, एक शिक्षक को या फिर एक विद्यार्थी को देना चाहिए और इसी के बिहाव पर एक जो बच्चा है उसको अच्छी तरीके से इन सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगा और अच्छी तरीके से आगे भी चीज़ों को सीख पाएगा। तो ये था आपका लास्ट वाला जो पेपर है, इसके बाद भी जितने क्वेश्चंस है, जितनी भी चीजें हैं वो भी सब डिस्कस करेंगे। अभी पेडागोजी का सब्जेक्ट है, उसके अलावा भी आपका जो है एपीसी पेपर है, वो सारी चीजें जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी आप जरूर हमसे कांटेक्ट करेंगे और फिर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।